23 सितंबर 2020 राज्यसभा विदेशी अभिदाय विनियम संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। यह विधेयक मुख्य रूप से गैर सरकारी संगठनों के वित्तीय मामले को रेगुलेट करने की दिशा में कदम है। इस बिल की आवश्यकता सरकार द्वारा पिछले कई सालों से महसूस की जा रही थी। गृह मामलों के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पी चिदम्बरम का हवाला देते हुए बताया कि सन 2010 में उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि एनजीओ विदेशी फंडिंग की सूचना नहीं देते और नहीं ये बताते कि खर्च कहां हुआ। आगे करीब 20,000 करोड़ रुपए में से सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए की ही जानकारी थी, बाकी 10,000 करोड़ रुपए की जानकारी नहीं थी कि उन्हें खर्च कहां किया गया। एनजीओ के प्रशासनिक खर्चों पर कटौती करने की बात चलाई गई थी। नित्यानंद राय इस बिल को राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। सरकार द्वारा ये महसूस किया गया था कि कुछ एनजीओ अपने फायदे के लिए न कि समाज या देश के फायदे के लिए खर्च करते हैं। जो भी पैसे विदेशों से जिस उद्देश्य के लिए खर्च होते थे उसी उद्देश्य के लिए खर्च होने चाहिए। विदेशी अभिदाय को एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को हस्तांतरित किया करते थे जो कि आगे भी हस्तांतरित होते रहते थे और अंततः जिस पर्पस के लिए फंड लिया गया था वह निरस्त हो जाता था। सरकार को इसकी ट्रैकिंग करने में भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तो जानते हैं इस बिल की खासियत। लोक सेवक को जोड़ा जा रहा है। एक एनजीओ से दूसरे एनजीओ को पैसे ट्रांसफ़र करना वर्जित है ताकि दुरुपयोग और विचलन रोका जा सके। एनजीओ के प्रशासनिक खर्च 50% से घटकर 20% हो जाएंगे ताकि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज़्यादा पैसे उपलब्ध हो, न कि वेतन, बिल्डिंग, गाड़ियां आदि पर। बैंक खातों को फ्रीज करने में सरकार सक्षम बने इसके लिए 11(2) में संशोधन है। जब सरकार को लगे कि एनजीओ FCRA नियमों का उल्लंघन कर रही है तो जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए अकाउंट फ्रीज करना आवश्यक बन जाता है। 12(ग) के तहत पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड जरूरी है, विदेशियों के मामले में पासपोर्ट या OCI कार्ड। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में यह सही बैठता है। किसी एनजीओ के खिलाफ जांच प्रक्रिया पूरी करने में धारा 13(k) के अंतर्गत 6 महीने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 वर्ष तक का कर दिया गया है। धारा 14(k) जोड़ा गया है ताकि एनजीओ नॉन स्टिग्मेटिक और सरल तरीके से सरेंडर कर सके, बंद कर सके। इनके द्वारा जो भी असेट तैयार किए गए वो सरकार के अधीन हो जाएगी और उस राज्य के गृह सचिव उसकी निगरानी में रहेंगे। एनजीओ को रिन्यूअल करने से पहले एक जांच होगा ताकि पीछे की गड़बड़ियों को नज़र में लाया जा सके। नई दिल्ली SBI के एक निर्धारित ब्रांच में FCRA का अकाउंट खोलना जरूरी होगा। दूसरे SBI ब्रांच में या दूसरे बैंकों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, पर पहले SBI दिल्ली में फॉरेन फंड आएगा। यह सरकार की सुगमता के लिए है ताकि व्यवस्था बनी रहे और सरकार को जानकारी होती रहे। इस बिल के माध्यम से सरकार जहां उन एनजीओ के ऊपर शिकंजा कसना चाहती है जो अलगाववादी ताकतों के साथ काम कर रही हैं और कन्वर्जन कार्यों में लगी हुई है सामाजिक कार्यों के बहाने, वहीं दूसरी तरफ छोटे एनजीओ जो कि मूल भावना के साथ कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, उन पर फंडिंग का खतरा मंडराने लगा है।